तो गाइस फाइनली यार हर की पौड़ी पे पहुंच चुके हैं। पापा मम्मी यार आगे की तरफ गए ना भाई। हाँ भाई एंड भाई भी यहाँ पे और सामने की तरफ देख लो भाई, कितना ही प्रेशर है आज गंगा मैया में भाई, बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा है यार आज के दिन, तो बहाव ज्यादा लग रहा है। और देखो यार इस साइड की तरफ तो यार लोग स्विमिंग कर रहे हैं, पीछे की साइड आप देख ही सकते हो यार, मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए। सो फाइनली गाइस यार शंकर आश्रम के पास आए थे और देख लो कितनी सारी बाइक मॉडिफिकेशन की शॉप है और एक जगह आके यार बाइक मॉडिफाई कराने के लिए खड़ी करी दी है। हाँ जी भैया क्या कर रहे हो, एक्रोबॉबिक लगा रहे हो इसमें? कितनी देर तक लग जाएगा अपना, कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा लग जाएगा। और देख लो यार ये स्टॉक साइलेंसर उतारना पड़ेगा ना और वापस लग जाएगा अगर दोबारा लगाना हो तो। लैंप्स भी बड़े हैं यार, बुलेट के आगे वाली हेडलाइट पड़ी है बहुत सारी यार। और अंदर चलते हैं यार, अंकल जी से मिलवा देता हूँ आपको। तो गाइस यार फाइनली अंदर की तरफ आ चुका हूँ शॉप के। हाँ जी अंकल जी नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते बेटा, काम वगैरह सब फाइन चल रहा है? बहुत अच्छा बेटा आपका, बहुत बढ़िया काम है। और बता दो अंकल जी क्या क्या स्पेयर पार्ट्स हैं अपनी दुकान पे, बहुत सारा मॉडिफाई कराना हो तो बाइक को, इसका रेट बताओ अंकल जी, इसका क्या रेट है? 7,500 रुपए होता है। गुड मॉर्निंग व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब? मैं तो एकदम फिट एंड फाइन हूँ। बाकी आज करने जा रहे हैं डेली व्लॉग 71 के स्टार्टिंग एंड आपको गाइस बता दूं यार गुड मॉर्निंग हो चुके हैं, सुबह सुबह नहा धो के एकदम से रेडी हो चुका हूँ और गाइस पूरी फैमिली से मिलवा देता हूँ। पापा गुड मॉर्निंग, कैसा फील कर रहे हो पापा यहाँ पे? बहुत ज़्यादा बढ़िया फील कर रहे हैं। एंड गाइस यार यहाँ पे बता देता हूँ बहुत ज़्यादा धूप हो रही है यार, हर रोज़ धूप की यार बातचीत होती है। पापा कितनी धूप हो रही है यहाँ पे बता दो एक बार व्लॉग में, और लू वगैरह भी चल रही है। एंड गाइस आपको मम्मी से मिलवा देता हूँ। हाँ जी मम्मा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? बहुत बढ़िया मम्मा, आप सुनाओ कैसा फील कर रहे हो यहाँ पे? बहुत बढ़िया, एकदम रेडी हो मम्मा, कहाँ जाने के लिए तैयार हो? एज यू विश, जहाँ कहोगे वहीं चल पड़ेंगे। एंड गाइस यहाँ पे आपको सीन बता देता हूँ यार, गर्मी वगैरह बहुत है वरना यार मार्केट में एक्सप्लोर करना कोई बड़ी चीज नहीं है। हाँ जी भाई आप रेडी हो एकदम? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और गाइस यार मैंने भाई को चाबी दे दी है बाइक की, कहाँ पे भाई चाबी है ना आपके पास? और एक बार रेडी करो बाइक यार हम चलते हैं। एंड गाइस आपको बता दूं यार सुबह सुबह नहा धो के एकदम रेडी हो गया हूं भाई, मैं तो नहीं गया और पापा मम्मी एंड भाई तो चले गए थे ना पापा गंगा स्नान कराए थे। एंड गाइस यार मैं नहीं जा पाया यार क्योंकि यार सुबह 5:30 का उठा हुआ हूं यार, एडिटिंग वर्क कस्टमाइजेशन सारा डन कर दिया है। एंड गाइस आपको बता देता हूं यार यहां पे आश्रम में फर्स्ट रूम में रहने का यही फायदा है यार, एक कदम आश्रम से बाहर रखो यार सारी की सारी मार्केट आ जाएगी जहां तक दूर तक आपकी नजर जा रही है। एंड गाइस एक कदम यार आश्रम के अंदर रखो तो यार अपना रूम आ जाएगा गाइस, जो कि मेरा फर्स्ट नंबर रूम है। एंड भाई गए हुए यार सामने की तरफ बाइक वगैरह निकालने के लिए, देख लो यार येलो टी शर्ट वाला भाई ही है भाई। एंड गाइस यार अभी का सीन क्या है देख लो यार, कितनी धूप हो रही है यार यहाँ, देख लो यार कितनी चमक मार रही है भाई धूप यहाँ पे गाड़ी के शीशे पे। एंड गाइस यार चलते हैं कहीं मार्केट में कुछ खाने पीने, यार सुबह से कुछ नहीं खाया भाई, देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या बना है यार मार्केट में, क्या कुछ चीज़ें हैं स्ट्रीट फूड ट्राई कर लेंगे। और कार्स वगैरह देख लो भाई कितनी है भाई, रश वगैरह यहीं से पता लग जाता होगा आपको दूर से यार, और बहुत ज्यादा रौनक है यार, पब्लिक वगैरह बहुत ज्यादा है। चलते हैं यार कुछ खाते पीते हैं एंड देन आपसे मिलता हूँ। सो गाइस फाइनली यार मैं और भाई मार्केट से यार सामान लेके आ चुके हैं ब्रेकफास्ट का, और देख लो यार ब्रेकफास्ट में बना क्या है यार, सिंपल चपाती है यहाँ पे, कचोरी भी है साथ में, कचोरी के साथ में मम्मी कौन सी सब्जी है? आलू की सब्जी, आलू की सब्जी है। एंड गाइस देख लो दाल भी है, दाल फ्राई है, साथ में सैलेड भी है। और आपको ये जरूर बता दूं यार एक और अपडेट आ रहा है यार, अच्छी न्यूज है यार, बहुत ज्यादा गुड न्यूज है आपको बता देते हो यार, अपनी बाइक की मॉडिफिकेशन जल्दी चालू होने वाली है, यहीं पे होने वाली है। एंड गाइस यार ये सारा का सारा प्लान कहाँ से बन रहा है ये पापा बताएंगे, पापा कहाँ से बन रहा है प्लान सारा मॉडिफिकेशन का? लड़का मिला था उससे पूछा था मैंने। हाँ जी क्या पूछा था? हाँ जी हाँ जी, बोला रानीपुर जाओ, रानीपुर जाओ, वहाँ देखेंगे जाके बता। एंड गाइस यार रानीपुर जाना पड़ेगा, वो यहाँ से यार अपने होटल से मेरे हिसाब से अपने आश्रम से मेरे हिसाब से यार 1 किलोमीटर दूर है, सो चल पड़ेंगे यार माउंटेड सेटअप करके। अभी तो यार बहुत तेज यार ब्रेकफास्ट की भूख लगी है, निपटाते हैं यार अच्छे से ब्रेकफास्ट एंड देन सीधा मिलता हूँ आपको माउंटेड सेटअप के साथ रेडी यार, शायद एग्जॉस्ट वाला काम आज हो ही जाएगा। पापा कौन सा लगवाना है, एक्रोपोविक लगाना है आज? तुम्हारे को पता है मेरे को काम है, SCB है भाई, एक्रोपोविक है, बहुत सारे ऑप्शंस है और देखते हैं यार मार्केट वगैरह अच्छी है या नहीं। और अपने गोहाना में भी है ना पापा एक पालिका बाजार? एंड गाइस यार वो भी बाइक की सारी मॉडिफिकेशन की है, शायद मैंने वहां का व्लॉग बना चुका हूं और आपको बता दूं यार यहीं चलेंगे बाइक की मॉडिफिकेशन के लिए, और करता हूं ब्रेकफास्ट एंड देन आपको मिलता हूं और दिखाता हूं सारा का सारा सीन क्या हो रहा है। तो गाइस फाइनली यार हर की पौड़ी पे पहुंच चुके हैं, पापा मम्मी यार आगे की तरफ गए ना भाई? हाँ भाई, एंड भाई भी यहाँ पे और सामने की तरफ देख लो भाई, कितना ही प्रेशर है आज गंगा मैया में भाई, बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा है यार आज के दिन, तो बहाव ज्यादा लग रहा है। और देखो यार इस साइड की तरफ तो यार लोग स्विमिंग कर रहे हैं, पीछे की साइड आप देख ही सकते हो यार, मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए, पब्लिक चेकआउट करो गाइस इतनी ज्यादा पब्लिक है। और गाइस आपको बता देता हूँ यार यहाँ पीछे की साइड हमने शूज वगैरह स्टॉल पे सबमिट करा दिए हैं और आके ले लेंगे उनको। और देख लो यार बहुत ज्यादा पानी हो रहा है गाइस, बहुत ज्यादा भाई, बीच में 5 फुट है कि 7 फुट है? 7-8 फुट जरूर होगा भाई, उससे अगली साइड देखो भाई कितना ही प्रेशर है गाइस,
क्लॉक टावर के साइड में देखो यार, और क्या ही ब्यूटीफुल सीन लग रहा है। तो गाइस फाइनली यार ब्रेकफास्ट इज डन फुल बार, बहुत अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लिया था। और अभी यार कहाँ जा रहे हैं भाई, आश्रम से निकल के कहाँ जा रहे हैं पापा? ज्वालापुर। वहाँ पे यार बाइक की मॉडिफिकेशन के बहुत सारे सेंटर हैं। हेलो कर दो मैं एक बार। और मम्मी और भी तैयार है, भाई भी तैयार है। ऑटो के चक्कर में यार दो बाइक्स नहीं है ना, एक ही है। सो मम्मी और ऑटो से आ जाएंगे, भाई एंड मम्मी एंड हम जा रहे हैं यार बाइक से। और यही फायदा है ना पापा, फायदा तो है बाइक का, सारा का सारा बेनिफिट है यार। हरिद्वार सिटी में तो है ही है भाई, दूसरी में है या नहीं है यार। यहाँ से यू टर्न लेना यार, और लेते हैं यार यू टर्न आराम से। एंड गाइस यार हरिद्वार के किसी भी रोड पे यार, ये तो मेन मार्केट वाला रोड है यार, सामने की तरफ हर की पौड़ी भी जाते हैं। एंड गाइस यार रास्ते में यार आपको आश्रम वगैरह बहुत ज़्यादा मिलेंगे यार, कुटिया जो भी आप लेना चाहो यार, अकॉर्डिंगली यार रेट के हिसाब से सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। हाई रेट की भी मिलेंगी भाई, लो रेट की भी मिलेंगी, मीडियम भी मिलेंगी, सब मिलेंगी यार। और ट्रैफिक वगैरह हमेशा रहता है यार, शाम के टाइम थोड़ा सा बढ़ जाता है यार, लोग स्नान करने के लिए दूसरे टाइम चले जाते हैं ना, और शाम के टाइम देखेंगे यार क्या पता हम भी चल पड़ें। बाकी अभी तो मार्केट जा रहे हैं यार, ज्वालापुर में अलग से ही मार्केट लगती है यार। सो गाइस यार एक बार गए हुए यार पहले ढोलक वगैरह लेने वहाँ से, और अब देखते हैं यार क्या ही सीन है वहाँ का। सो फाइनली गाइस यार शंकर आश्रम के पास आए थे, और देख लो कितनी सारी बाइक मॉडिफिकेशन की शॉप है, और एक जगह आके यार बाइक मॉडिफाई कराने के लिए खड़ी करी दी है। हाँ जी भैया क्या कर रहे हो, एक्रोपोविक लगा रहे हो इसमें? कितनी देर तक लग जाएगा अपना, कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा लग जाएगा। और देख लो यार ये स्टॉक साइलेंसर उतारना पड़ेगा ना, और वापस लग जाएगा अगर दोबारा लगाना हो तो। एसी भी बेस्ट है, अंदर की साइड एसी भी पड़े, और बहुत सारे देख लो यार लैंप्स भी पड़े हैं यार, बुलेट के आगे वाली हेडलाइट पड़ी है बहुत सारी यार। और अंदर चलते हैं यार, अंकल जी से मिलवा देता हूँ आपको। तो गाइस यार फाइनली अंदर की तरफ आ चुका हूँ शॉप के। हाँ जी अंकल जी नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते बेटा, काम वगैरह सब फाइन चल रहा है? बहुत अच्छा बेटा, आपका बहुत बढ़िया काम है। और बता दो अंकल जी क्या क्या स्पेयर पार्ट्स हैं अपनी दुकान पे, बहुत सारा मॉडिफाई कराना हो तो बाइक को? बेटा सारा मॉडिफिकेशन का एक्सेसरी सारी होती है, हर बाइक की होती है हमारे यहाँ पे। और एलॉयज वगैरह बहुत ज्यादा बढ़िया दिख रहे हैं, इसका रेट बताओ अंकल जी, इसका क्या रेट है? 7,500 होता है पेयर, मतलब स्टार्टिंग रेट है ये। स्टार्टिंग रेट तो 7,300 होता है, लेवर लगा के होता है 7,500। और मैक्सिमम कितना रेंज करता है अलॉय व्हील्स का? अलॉय व्हील का बेटा एक अच्छा कंपनी का प्राडो का यही होता है, 7,500। बुलेट का होता है, बुलेट का होता है। और वैसे आरटीआर अपाची वगैरह में कुछ लगाना हो तो अलॉय व्हील वगैरह? व्हील के लिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। एक्चुअली गाइस पता है क्या यार, कोई सीन नहीं है यार अपाची वगैरह स्पोर्ट्स बाइक में लगाने का, सिर्फ क्या है ना हैवी बाइक में लगवा सकते हैं यार। आप अपनी हार्ले में लगवा सकते हैं अंकल जी? हार्ले में तो लग जाएगा, लग जाएगा हार्ले में, बुलेट में बहुत सारी बाइक्स आती हैं भाई, हैवी वर्जन की उसमें लगवा सकते हो। और इस हॉर्न वगैरह का रेट बताओ अंकल जी, ये हॉर्न है पीछे, ये हॉर्न बेटा होता है लगभग 1700-1800 मेगासोनिक होता है, ये ओरिजिनल वाला। और बहुत ज्यादा लाउड होगा मेरे हिसाब से अंकल जी? हाँ बहुत ज्यादा है, ये फोर व्हीलर में लगता है अधिकतर। और अंकल जी और बताओ अपना क्या काम है, और सारा का सारा काम बता दो। मेरा मैरिज कार्ड का भी होता है, मैरिज कार्ड का भी काम है, डबल वर्क है। और कहाँ पे शॉप है अपनी अंकल जी बता दो? बेटा ये शंकर आश्रम होता है हमारे यहाँ अद्भुत मंडल। हाँ पूरी की पूरी यही मार्केट इसी चीज की है, मॉडिफिकेशन की होती है। एंड गाइस एक्चुअली आपको एक और सीन बता दूं, वहाँ पे अंकल जी मैंने घुआना में ट्राई आउट करे थे, शीशे वगैरह कितने के साइड मिरर्स? ये बेटा होता है ये इसमें प्लास्टिक में आता है 200 रुपए के आसपास, 200 रुपए के आसपास। और जो हमारा मेटल में आता है वो 350 के आसपास आता है। तो ये साइडों पे लग जाते हैं हैंडल वगैरह, हैंडल बार पे? हाँ जी। और बता दो अंकल जी की रिंग्स वगैरह जैसे लग रहे हैं मुझे बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे, 50 रुपए हो गया लगभग, 50 रुपए। हाँ जी हाँ जी, मतलब सारे सारे रेंज में मिल जाएंगे हमें आसानी से। और अंकल जी एक बहुत सारा वाला वो ट्रेंड वगैरह चल रहा है कि बाइक के हैंडल पे ही होल्डर लगाने का, और जिसमें मैप वगैरह लगा सकते हैं, इससे बड़ा होता है वो एक्चुअली। बड़ा भी होता है, मतलब हाँ जी ये आपको ये बड़ा है, हाँ ये वाला होल्डर, ये वाला होता है, ये वाटरप्रूफ भी होता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और एग्जॉस्ट वगैरह में सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा अंकल जी? एक्रोपोविक की बहुत सारी क्वालिटी है भाई, एक तो क्वालिटी ये है, एक्रोपोविक ही अच्छा होता है, एक्रोपोविक बेस्ट रहेगा, यही होता है। और एससी और इसमें क्या फर्क है? एससी में इसमें एससी का रेट भी कम होता है और इसकी आवाज ज्यादा होती है। एसी का रेट कम है भाई, आवाज ज्यादा है, मतलब नॉइज वगैरह ज्यादा करता है। देखो ये रहा एसी, कौन सा अंकल जी? एसी प्रोजेक्ट है ये? एसी प्रोजेक्ट होता है, एसी प्रोजेक्ट होता है। और अंकल जी इसके ऊपर कार्बन फिनिशिंग है, कार्बन फिनिशिंग। और देख लो यार कितनी बढ़िया लग रही है भाई, कार्बन फिनिशिंग बहुत सही लग रही है। और अपने वाला कौन सा अंकल जी हमने लगाया बाइक में?
वो शाइनिंग वाला अच्छा है। और इसमें और उसमें क्या फर्क है अंकल जी? फर्क कुछ नहीं, रेट एक ही है दोनों, रेट एक ही है बस। वैसे ही है फिनिशिंग वगैरह, और अगर चेंज करवाना हो तो करवा सकते। इसमें ये होता है कि अगर पैर वैर लगेगा तो उसमें स्क्रैच आ जाएंगे। अच्छा, इसमें स्क्रैच आ जाएंगे। और बस ये यार अपने भी स्क्रैच वगैरह ना आए तो इसलिए। अंकल जी सामने की तरफ क्या है, ये बहुत सारी चीजें हो रहे हैं। ये बेटा सीट कवर होते हैं, सीट कवर है। ये लाइटें हो गई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, लेग गार्ड वाली लाइट होती है। हाँ, लेग गार्ड भी लगती है। हाई बीम लाइट, सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी अंकल जी। और कोशिश करते हैं कि भाई नया नया ट्रेंड आया जो भाई आजकल की जनरेशन यूज कर रही है कि सारा का सारा आ जाए भाई शॉप पे। और अंकल जी स्टिकर वगैरह का भी काम है सारा का सारा। स्टिकर मशीन होती है हमारी, देख लो भाई स्टिकर मशीन है, जैसे कि भाई घुमाना में भी थी। सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी भाई, आपको ट्राई आउट कर सकते हो। अंकल जी एक बार एड्रेस और बता दो, कहाँ पे आना पड़ेगा कोई आए तो बाहर से? बेटा ये आप आओगे सिंह द्वार पे। सिंह द्वार पे हाईवे से, सिंह द्वार से शंकर आश्रम के बीच होती है अब्दुल मंडल। और क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा एस के सैनी है बेटा। एस के सैनी, आके आराम से यार ट्राई आउट कर सकते हो। सो गाइस यार हम तो लगवा ही रहे हैं, देखो यार बाहर साइलेंसर चेंज हो रहा है यार। जब चेंज हो जाएगा और इसकी नई लुक आपको दिखा देंगे। आज लास्ट बार आपको बाइक पे दिख रही है और कल से चेंज ही हो जाएगा भाई, वो भी ब्लैक कलर का है ताकि एकदम सूट करे यार। तो गाइस फाइनली यार कृष्णा आश्रम में आए था, जस्ट यार बाइक की मॉडिफिकेशन करानी थी साइलेंसर में, और बहुत सारे बच्चे मिल गए। हेलो कर दो एक बार सारे के सारे व्लॉग में। आप कहाँ से हो सब लोग बता दो एक बार व्लॉग में। पानी बैठने, अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और साथ के साथ देख रहे थे कि बाइक को देखा आपने पहचाना है। और कोई बात नहीं यार, सब्सक्राइबर भी बन गए, सब्सक्राइब कर लिया आप सबने। और आपकी फोटो आ चुकी है और इसमें से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और थैंक यू सो मच, मैं तो यहीं घूम रहा था। और अभी चलते हैं आगे राइड के लिए। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे आप सबसे, मिलेंगे फिर दोबारा। ठीक है बच्चों, बाय बाय। शंकर आश्रम से आ चुके हैं भाई, बहुत अच्छे से मॉडिफाई करा के बाइक। आपको बता दूं यार एग्जॉस्ट लगवा लिया भाई, एक्रोपोविक एकदम हाई पावर, बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है यार, एकदम सुंदर भी लग रहा है बाइक को। ब्लैक कलर के ना सूट भी करा है, एक बार देख लो यार। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना यार एक्रोपोविक कैसा ही लग रहा है यार। और आपको सारा का सारा सिनेमैटिक भी देने वाला हूँ यार। और पापा मम्मी का रिएक्शन यार अगली वीडियो में आपको मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है इस बाइक की साउंड की आवाज़ में, मतलब इस साइलेंसर की साउंड में। और पहले वाला स्ट्रोक की साउंड तो आपको पता ही है भाई, एकदम सिंपल थी। एंड गाइस यार देख लो सामने की तरफ सूखी नदी भी है भाई, एकदम सूखी रहती है ना भाई ये। और भाई भी हमारे साथ आया, भाई का रिएक्शन लेने आए हैं। भाई एक बार आ जाओ, एक बार सेल्फ स्टार्ट कर लो। एंड गाइस यार फिर आप सुनना यार साउंड वगैरह कैसी है, और भाई हमें रिएक्शन भी देगा भाई। एंड गाइस यार बहुत ज्यादा अमेजिंग साउंड है यार मेरी तरफ से, आप बताओ भाई। लाउड है। हाँ, अच्छी तो लग रही है ना, बट बाकी जब डीबी किलर हटाएंगे तब और सुनूंगा। एंड गाइस यार आपको बता देता हूँ यार, एग्जॉस्ट में ना एक चीज होती है यार, ये आपको चीज दिख रही होगी भाई सिल्वर कलर की, इसे डीबी कलर कहते हैं। और इसके अलावा इसके सिंपल एग्जॉस्ट कहते हैं, मतलब ये एक्रोपोविक का। अगर ये लगा देते हैं भाई आवाज़ वगैरह कम हो जाती है, ये नहीं लगाते भाई इतनी ज़्यादा लाउड है ना भाई, जनरली बता रहा हूँ यार, पुलिस वाले खड़े होंगे ना भाई 1 किलोमीटर दूर, तो यार वहीं तक आवाज़ गूंज के जाएगी। सो इसलिए ये लगवा रहा है यार, मैं नहीं चाहता बहुत ज़्यादा शौकीन ही दिखाएं भाई, एकदम स्लो और अच्छी साउंड मेंटेन करें भाई। तू क्या कहता है, यही कहता होगा आप भी? और ये भी यही कहता है भाई। और आपको बता दूं यार बच्चे भी मिल गए थे, उनसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यार, उनकी फैमिली से मिलकर बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा। और पापा मम्मी की रिएक्शन वीडियो अगली वीडियो में आई जाएगी। साथ के साथ देख लो यार सामने की तरफ सीन देख लो भाई, बहुत ज़्यादा बढ़िया हो रहा है यार। पहाड़ देख लो यार कितने बढ़िया हो रहे हैं यार। और गाइस यार आज ऋषिकेश जाने का भी बहुत ज़्यादा प्लान था, बहुत ज़्यादा मन था यार वहाँ पे ट्रैवल करने का, घूमने का। पर आपको एक बात बता दूँ यार, एग्जॉस्ट लगवाने के बाद एक और खर्चा आ गया भाई इसमें मोटे वाला। कौन सा खर्चा आ गया ना, मैं आपको कह रहा था भाई चैन सेट इसका खत्म लग रहा है मेरे को बिल्कुल ही, और एक्चुअली में वो हो गया है भाई, जाना पड़ रहा है यार टीवीएस में हरिद्वार में, मान रहे हो भाई, जनरली कह रहा हूँ भाई हरिद्वार में टीवीएस के शोरूम पे जाना पड़ रहा है भाई चैन सेट चेंज कराने के लिए। यार मेरे हिसाब से 2200 से लेकर 2500 तक का आएगा भाई, क्या कहता है भाई करवा लेने चाहिए हैं। हाँ भाई प्रॉब्लम कर रही है, गियर्स तो सही से लग ही नहीं रहे। सो गाइस यार फाइनली राम झूले पे तो पहुंच ही चुके हैं यार ऋषिकेश में। एंड गाइस यार 21 किलोमीटर यार बाइक पे ही आए हैं यार, अपनी बाइक पे। इसी बहाने यार एग्जॉस्ट वगैरह भी टेस्ट हो ही चुका है यार, और पब्लिक देख लो यार क्या ही पब्लिक है यार। इसी बहाने रिएक्शंस भी आ रहे हैं यार लाउड एग्जॉस्ट पे यार, हवा इतनी ज़्यादा चल रही है यार आपको डिफाइन ही नहीं कर सकता यार वर्ड्स में। एंड गाइस यार यहाँ पे अकेले ही आए हुए यार, पापा मम्मी एंड गाइस यार भाई भी उस साइड खड़े हैं यार पुल के। और मैं एकदम ही प्लान बना था यार, वरना कैंसिल ही था यार। यार इसी बहाने एग्जॉस्ट भी ट्राई हो गया, टेस्ट हो गया, एंड साथ के साथ यार चैन सेट भी, जो कि एकदम यार शाम को चेंज कराया था ना यार टीवीएस के शोरूम में से। एंड देख लो यार गाइस कितना ही हेक्टिक शेड्यूल हो गया, बट गाइस यार मज़ा आ रहा है यार। फाइनली राम झूले से बाहर आ ही चुके हैं। हाँ जी मामा जी, हेलो करते हो और व्लॉग में। मम्मी और भाई ऑटो से आए थे ना, और गाइस देख लो यार मिल ही चुके हैं, और मामा चले हम वापस। एंड गाइस यार आपको ये भी सीन बता दूं यार, यहाँ से मतलब ऋषिकेश से हरिद्वार जहाँ हम रहते हैं भाई 21 किलोमीटर है ना पापा, 21 किलोमीटर जाना पड़ेगा। और ऐसे ही आए थे भाई, भागते दौड़ते आए थे है ना पापा, एकदम फास्ट फास्ट आए थे। और चलते हैं यार अब चलने की तैयारी में। होप करता हूँ आपने ये व्लॉग बहुत ज़्यादा एंजॉय करा होगा। चले मामा
चलते हैं। हीट वगैरह आप चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस यार करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड। सो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। फिर मिलता हूँ नए व्लॉग में नई एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।